हम लोग लास्ट क्लास, अच्छा एक सेकंड कैंसिल, एक मिनट रुको। देखो हम लोग पिछला क्लास तक पढ़ चुके हैं क्या चीज, हम लोग पढ़ चुके हैं कि फॉर्मेट क्या होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। हम लोग इसका बात कर चुके हैं कि जीएवी से म्यूनसिपल टैक्स माइनस करते हैं तो एनएवी आता है, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल माइनस करते हैं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाता है। और यही अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड घर हो तो एनएवी तक सब कुछ निल रहता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन होता नहीं है, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल माइनस करते हैं और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिल जाता है हमको। इसके बाद हम लोग बात किए थे कि हमको इस चैप्टर में मेन दो चीज़ों का कैलकुलेशन सीखना है, एक जीएवी और एक इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इन दो चीज़ों का कैलकुलेशन सीखना है हमको। प्रैक्टिकली हम लोग इतना ही बात किए थे। उसके बाद हम लोग बात किए थे इस नेक्स्ट पेज वाला नोट्स में कि अगर जीएवी कैलकुलेट कैसे होता है, ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू को फेयर रेंट से कंपेयर करते हैं तो हमको जो हायर मिलता है वो मेरा स्टेप वन हुआ। स्टेप टू में स्टेप वन का आंसर उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं, विच एवर इज लोअर मेरा स्टेप टू का आंसर होता है। और स्टेप थ्री में हम लोग एआरआर से कंपेयर करते हैं स्टेप टू का आंसर को, विच एवर इज हायर लेते हैं। उसमें हम लोग चार सिचुएशन का बात किए थे कि अगर अनरियलाइज रेंट भी नहीं हो, वैकेंसी भी नहीं हो तो क्या होगा, दोनों में से एक हो और एक नहीं हो तो क्या होगा, और दोनों हो तब क्या होगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, पहला आइटम का नाम क्या है जिसको हम लोग कंपैरिजन करते वक्त पकड़ते हैं, जिसको हम लोग कंपैरिजन करने के लिए पकड़ते हैं, उसमें पहला आइटम का नाम क्या है बोलो। जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं चार चीज को तो पहला आइटम का नाम क्या है, सर शायद म्यूनिसिपल वैल्यू। ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, जीएमवी है वो, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। अब अगर एग्जाम में सिर्फ म्यूनिसिपल वैल्यू दे या नेट म्यूनिसिपल वैल्यू दे दे, हमको उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो। पहला आइटम का नाम है ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। अगर सब में हमको ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू नहीं दे, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू दे दे, तो हमको उसको कन्वर्ट करना आना पड़ेगा। खाली म्यूनिसिपल वैल्यू दे या नेट म्यूनिसिपल वैल्यू दे, हमको उसको पहले ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू बनाना पड़ेगा। तो देखो मेरा साइड का नोट देखो आप लोग, साइड का नोट क्या बोल रहा है आपको, जीएमवी कैलकुलेशन का वहां पे हेडिंग लिखा हुआ है। इफ मेट्रो सिटी तो एक फॉर्मूला है, इफ नॉन मेट्रो सिटी तो फिर जीएमवी या एनएमवी दोनों का एक ही मतलब होता है, मतलब तब आपको कन्वर्जन करना नहीं पड़ेगा अगर आपको नेट म्यूनिसिपल वैल्यू या म्यूनिसिपल वैल्यू दे दे, उसी को ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू मान लेना अगर नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो तो। चार सिटी इंडिया में मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये चार में से आप कहीं पर भी रहते हो या ये जो घर आप भाड़ा पे दे रहे हो, इन चार में से कहीं पर है तो आपको हमेशा ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू चाहिए। अगर नेट म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है तो उसको ग्रॉस बनाना पड़ेगा। और अगर आपको इन चार मेट्रो सिटी के अलावा आप कहीं पर भी रहते हो तो आपको ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू या नेट म्यूनिसिपल वैल्यू दोनों का मतलब सेम है। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है सबको। हाँ सर। सर ये ग्रॉस का नेट बनेगा कैसे, देखो यहाँ एक फॉर्मूला लिखा है एक लाइन का, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू इक्वल्स टू ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू माइनस 10% ऑफ ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू माइनस सीवरेज टैक्स माइनस वाटर टैक्स। नेट म्यूनिसिपल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला दिया आपको हम, फॉर्मूला क्या दिया है, जीएमवी माइनस 10% ऑफ जीएमवी माइनस सीवरेज टैक्स माइनस वाटर टैक्स। तो आपको अगर जीएमवी पता, जीएमवी निकालना, एनएमवी पता है तो एनएमवी का फिगर पुट करना। पहला वाला जीएमवी के आगे कोई परसेंटेज नहीं है, मतलब वो कितना परसेंटेज है अपने आप में, हम लिखा है जीएमवी माइनस 10% ऑफ जीएमवी, मतलब वो पहला वाला जो खाली जीएमवी है वो किसका परसेंटेज है, 100%, 110। 100, कोई फिगर नहीं होता, वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो ठीक है सर। 100% ऑफ जीएमवी माइनस 10% ऑफ जीएमवी, मतलब सर सीधा बोलिए ना, 90% ऑफ जीएमवी माइनस सीवरेज टैक्स माइनस वाटर टैक्स बोल सकते हो। एन एम बी इक्वल्स टू
90% ऑफ जीएमवी माइनस सीवरेज टैक्स माइनस वाटर टैक्स. इज इट क्लियर टू यू ऑल? अब इसी पे एक्सम्स करने वाले अभी हम लोग. इससे हम जीएमवी निकाल लेगा, एनएमवी क्वेश्चन में दिया होगा, हम जीएमवी निकाल लेगा और हम उसको इजीली यूज कर लेगा चार कंपैरिजन करते वक्त. तो आज वो चार कंपैरिजन वाला सम्स करना है और ये ग्रॉस को नेट कैसे बनाते हैं उस पर भी सम करना है. फॉर्मूला क्लियर है सबको? एनएमवी इक्वल्स टू जीएमवी माइनस 10% ऑफ जीएमवी, मतलब 90% ऑफ जीएमवी. 100 माइनस 10 तो 90 आएगा. 90% ऑफ जीएमवी माइनस सीवरेज टैक्स माइनस वाटर टैक्स. सम्स करते हैं. देखो क्या दिया, एनुअल लेटिंग वैल्यू फिक्स बाय म्यूनिसिपल वैल्यू इज 5000. यानी क्या दे दिया आपको? एनएमवी दे दिया. सीवरेज एंड वाटर टैक्स बोला आप 400 रुपये दियो. आपको बोला कंप्यूट ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू. एनएमवी दे दिया, सीवरेज एंड वाटर टैक्स दे दिया, बोल रहे जीएमवी निकालो. तो देखो फॉर्मूला में पुट किए, एनएमवी इक्वल्स टू जीएमवी माइनस 10% ऑफ जीएमवी माइनस सीवरेज टैक्स वाटर टैक्स. तो एनएमवी का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 5000 इक्वल्स टू जीएमवी माइनस 10% ऑफ जीएमवी माइनस 400, क्योंकि सीवरेज एंड वाटर टैक्स का वैल्यू दिया हुआ है. तो वो 400 अगर उल्टा साइड में भेजेंगे तो इधर में माइनस है तो उधर में ऐड हो जाएगा. तो 5400 इक्वल्स टू 90% ऑफ जीएमवी. तो जीएमवी इक्वल्स टू 5400 डिवाइडेड बाय 90%, तो आंसर आएगा 6000. क्या ये एक सम सबको क्लियर है? नहीं क्लियर है तो बिंदास बोलना, टाइप नहीं करना है, बोलना है, क्योंकि हम आपके स्क्रीन पे नहीं है गूगल मीट के. सर एक बार समझा दीजिए ना सर. मैं फॉर्मूला में वैल्यू पुटिंग की है, मेरे को क्वेश्चन में एनएमवी दिया हुआ है. मयंक, हाँ सर, एनएमवी लिख दिया 5000. फॉर्मूला क्या है? जीएमवी माइनस 10% ऑफ जीएमवी माइनस सीवरेज टैक्स वाटर टैक्स. हाँ, तो इक्वल्स टू ये जीएमवी माइनस 10% ऑफ जीएमवी, मतलब 90% ऑफ जीएमवी हो गया ना. जो जीएमवी के आगे कोई परसेंटेज नहीं है उसको 100% गिनते हैं हमेशा. तो 100 माइनस 10, 100% ऑफ जीएमवी माइनस 10% ऑफ जीएमवी, तो 90% ऑफ जीएमवी. सीवरेज टैक्स वाटर टैक्स का अमाउंट दिया है क्वेश्चन में, 400 रुपए तुम दे रहे हो सीवरेज एंड वाटर टैक्स. तो 90% जीएमवी माइनस 400, तो अब ये 400 मैंग ऑपोजिट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा मैथमेटिक्स. तो 5400 इक्वल्स टू 90% ऑफ जीएमवी. अब ये 90% भी ऑपोजिट साइड में जाएगा तो इधर में मल्टीप्लाई है तो वहां डिवाइड हो जाएगा. तो 5400 डिवाइडेड बाय 90%, तो आंसर आएगा 6000. क्लियर है? चलो एक और सम्स करते हैं फटाफट. ये सम थोड़ा अलग टाइप का है. यहाँ पे आपको चारों चीजें निकालनी है. ये जीएमबी एनएमबी का सम नहीं है, जीएमबी क्वेश्चन में गिवन है आपको. देखो क्या बोला, एक्स ओन्स हाउस प्रॉपर्टी इन पुणे, पुणे में घर है. फर्क पड़ता है क्या जीएमबी एनएमबी से? दोनों सेम नहीं सर, नॉन मेट्रो सिटी में दोनों सेम होगा. इसलिए देखो यहाँ पे म्यूनिसिपल वैल्यू दिया, लेकिन उसको कन्वर्ट करने नहीं जाएंगे क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है. हाँ, तो म्यूनिसिपल वैल्यू मतलब मेरा ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू होता है. तो हमको ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है 2,00,000, फेयर रेंट दिया है 1,80,000, स्टैंडर्ड रेंट दिया है 2,10,000. इट इज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल घर भाड़ा पे रहा. रेंट कितना है मेरे घर का? 15 अक्टूबर तक 10,000 पर मंथ और 15 अक्टूबर के बाद 12,000 पर मंथ. मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का आधा महीना 10,000 घर के भाड़ा था. और फिर अक्टूबर का आधा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 5.5 महीना भाड़ा 12,000 है. 6.5 महीना मेरा घर का भाड़ा 10,000 पर मंथ है और 5.5 महीना मेरा घर का भाड़ा 12,000 पर मंथ है. अब क्या बोल रहा है देखो, द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाई एक्स टू वाई ऑन लास्ट डे ऑफ फरवरी. फरवरी के लास्ट डे को एक्स ये घर वाई को बेच दिए. तो एक्स को कब तक का भाड़ा मिलेगा? फरवरी लास्ट में एक्स वाई को घर बेच दिया है तो फरवरी पूरा मिलना चाहिए, बस फरवरी तक उसको भाड़ा मिलेगा मतलब. हाँ सर, उसको 11 महीना का भाड़ा मिलेगा. आई कैन से दैट उसको 11 महीना का भाड़ा मिलेगा. हाँ या ना? हाँ सर. और वाई को 1 महीने का भाड़ा मिलेगा खाली मार्च का.
हाँ ठीक है चलो। हाउएवर वाई फेल टू रिकवर द रेंट फॉर मार्च। लो वाई के लिए तो बुरा ही दिन था, एक तो एक महीना का भाड़ा मिलना था वो भी नहीं मिला उसका, वो भी उसका अनरियलाइज रेंट रह गया, मतलब टेनेंट वाई को एक महीना का भाड़ा नहीं दिया। आपको बोला है जीएवी निकाल के बताओ, जीएवी निकाल के बताओ। तो देखो पहला काम क्या किए लो, फेयर रेंट, म्यूनसिपल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, तीनों क्वेश्चन में गिवन है। फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनसिपल रेंट, तीनों क्वेश्चन में गिवन है। म्यूनसिपल वैल्यू 2 लाख है, फेयर रेंट 1,80,000 पर एनम है, स्टैंडर्ड रेंट 2,10,000 पर एनम है, तीनों गिवन है। लेकिन हमको तीनों को 11 महीना और एक महीना का रेशियो में बांटना पड़ेगा पहले, क्योंकि एक्स 11 महीना ही घर का मालिक रहा और वाई एक महीना घर का मालिक रहा। तो ये जो तीनों है, ये तो पर एनम का फिगर है ना, म्यूनसिपल वैल्यू 2 लाख पर एनम है, पर एनम मतलब पर ईयर, फेयर रेंट पर एनम है 1,80,000 मतलब पर ईयर है, और स्टैंडर्ड रेंट 2,10,000 पर एनम है मतलब पर ईयर है। तो आपको क्या करना है, उन तीनों फिगर को 11 महीने और एक महीने का फिगर में बांट लेना है, फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो देखो पहले, रेशियो में हाँ कन्वर्ट कर दे। तो देखो म्यूनसिपल वैल्यू 2 लाख दिया है, उस 2 लाख को 11 और एक महीने में बांट दिया, मतलब 1,83,333 और 16,667 बट गया, 1,83,000 सॉरी कितना, 2 लाख को डिवाइडेड बाई 12 × 11 तो आ गया एक्स के लिए, 2 लाख डिवाइडेड बाई 12 × 1 आ गया वाई के लिए। वैसे ही फेयर रेंट 1,80,000 डिवाइडेड बाई 12 × 11 आ गया एक्स के लिए 1,65,000, और 1,80,000 डिवाइडेड बाई 12 × 1 आ गया 15,000 वाई के लिए। वैसे ही स्टैंडर्ड रेंट 2,10,000 डिवाइडेड बाई 12 × 11 आ गया 1,92,500 एक्स के लिए, और वाई के लिए 2,10,000 डिवाइड बाई 12 × 1 आ गया 17,500। तो तीनों को पहले बांट दिए, अब मेरा काम स्टार्ट करता है, हमको जी ए वी निकालना है। जी ए वी के लिए हमको क्या क्या चाहिए सर, 4 आइटम चाहिए। पहले ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू को फेयर रेंट से कंपेयर कीजिए, विच एवर इज हायर लीजिएगा। तो आप पहले एक्स के लिए सॉल्व करते हैं, 1,83,333 को कंपेयर करेंगे 1,65,000 से, हायर कौन सा है, 183 वाला सर। वेरी गुड, तो स्टेप वन सॉल्व हो गया, 183 आ गया। अब उस 183 को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किए, 1,92,500, और क्या लेंगे, लोअर की हायर, लोअर लेंगे। लोअर, तो अब लोअर फिर 183 आ गया घूम के, 165, 183 में विच एवर इज हायर लिए, 183 आंसर था। अब उस आंसर को कंपेयर किए स्टैंडर्ड रेंट से, 192,500 से, विच एवर इज लोअर लेना था, 183,333 आ गया। इसको क्या बोलेंगे, RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप तीन स्टेप सॉल्व। अब उसके बाद किससे कंपेयर करते हैं, उस दूसरा स्टेप का आंसर को, सॉरी 2 स्टेप सर, सॉल्व। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड से सर, हाँ, तुमको एक्चुअल रेंट कितना रिसीव्ड हुआ है, देखो 11 महीना अप्रैल, का। एक मिनट वेट, मैं यहाँ पे गलती होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना 10,000 करके भाड़ा मिला होगा, और अक्टूबर का 15 दिन का भाड़ा 12,000 रुपया, मतलब 15 दिन का हो गया 6,000 रुपया। अक्टूबर 15 तारीख से भाड़ा बढ़ गया है, तो तुमको भाड़ा कितना मिल रहा है एक्स को, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना का 10,000 करके, मतलब 60,000 रुपया। अक्टूबर का उसको 15 दिन का 10,000 और फिर 15 दिन का 6,000। आई रिपीट, अक्टूबर महीना में 15 अक्टूबर तक 10,000 भाड़ा था, उसके बाद भाड़ा बढ़ा है, तो 15 अक्टूबर तक का 10,000 भाड़ा था, मतलब 5,000 मिला होगा आधा महीना का। वैसे 15 अक्टूबर के बाद से भाड़ा 12,000 हो गया है, तो अक्टूबर का रिमेनिंग 15 दिन के लिए 6,000 भाड़ा मिला होगा, तो अक्टूबर में 11,000 भाड़ा मिला उसको। क्लियर है ये? और उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीना उसको 12,000 करके भाड़ा मिला है, 4 महीना उसको 12,000 करके भाड़ा मिला है, तो प्लस 48,000, 1,19,000 रेंट मिला है मिस्टर एक्स को। क्या ये फिगर से सबको एग्री है, एक्स को 1,19,000 भाड़ा मिला है?
मयंक, रिया, प्रिया, हाँ सर, अगर डाउट हो तो बोलो, उनको कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरा 1,19,000 को 183,333 से कंपेयर किया, आर ई आर से 1,19,000 को कंपेयर किए, क्या लेंगे, हायर की लोअर? हायर, 183 लेंगे सर। तो 183 मेरा जीएवी आ गया मिस्टर एक्स के लिए। अब वाई के लिए सेम पैटर्न पकड़ो, पहले म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट को कंपेयर करो, विच एवर इज हायर। तो 16,667 को 15,000 से कंपेयर किए, 16,667 मेरा आंसर आ गया। फिर उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किए, विच एवर इज लोअर। तो 16,667 को कंपेयर किए 17,500 से, तो 16,667 मेरा आंसर आ गया। क्या मिस्टर वाई का कोई रेंट मिला है बेचारे को? नहीं सर, उसमें थर्ड स्टेप नहीं होगा सर, क्योंकि उसको मिला ही नहीं। हाँ, क्योंकि बेचारे का एक महीने का भाड़ा था, वो भी नहीं मिला, तो नेक्स्ट स्टेप नहीं हो सकता। तो 16,667 ही मेरा जीएबी हो गया। एक महीने का भाड़ा मिलना था भाई को मार्च महीने का, वो भी उसको मिला नहीं, इसलिए उसको वहाँ पे स्टेप ही नहीं है। कभी भी जीरो मत पढ़ना उसको, क्योंकि तुम जीरो पढ़ोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उसको जीरो पढ़ लो। तो 16,667 और जीरो, विच एवर इज हायर, तो 16,667 आंसर है। तो 16,667 मेरा जीएवी निकल गया मिस्टर वाई के लिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हम नेक्स्ट सम की तरफ मूव करते हैं। यस सर, ये अच्छा सम है। मिस्टर कोई नाम नहीं दिया, छोड़ दो, कोई मिस्टर एक्स होगा, उसके पास 5 जगह घर है, गोवा, पुणे, पाली, दिल्ली, मुंबई। एक मिस्टर एक्स है, नाम नहीं दिया क्वेश्चन में, मिस्टर एक्स पकड़ लेते हैं, उसके पास 5 घर है। पहला घर गोवा में है, दूसरा हाउस 1 गोवा में है, हाउस 2 पुणे में, हाउस 3 पाली में। पाली राजस्थान का एक छोटा सा गांव है, टाउन है, H4 दिल्ली में और H5 मुंबई में। तो इनमें मेट्रोपॉलिटन सिटी 2 ही है, दिल्ली मुंबई, दिल्ली और मुंबई होगा सर। हाँ, बाद बाकी जगह नॉन मेट्रो सिटी है। तो देखो पहले क्या दिया हमको, म्यूनसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल भी दिया है, अनरियलाइज रेंट भी दिया है और वाटर टैक्स भी दिया है, 2 जगह केवल। तो गोवा, पुणे, पाली में हमको म्यूनसिपल वैल्यू दिया है, म्यूनसिपल वैल्यू जब खाली रहता है मतलब उसको नेट मानते हैं, क्या हमको कोई फर्क पड़ता है क्या वो ग्रॉस है कि नेट है? नहीं सर, हमको तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे लिए वही ग्रॉस है वही नेट है, ठीक है। तो इन तीन में हमको कन्वर्ट करने का दरकार नहीं है। तो आओ ये तीन का पहले जीएवी निकाल लेते हैं फटाफट। म्यूनसिपल वैल्यू गोवा का दिया है 90, फेयर रेंट दिया है 300, विच एवर इज हायर, 300 मेरा आंसर आ गया स्टेप 1। स्टैंडर्ड रेंट दिया है 50, विच एवर इज लोअर, मेरा 50 आंसर आ गया। आर ई आर मेरा 50 हो गया। अब उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 120, जिसमें अनरियलाइज रेंट है 2 महीना का, 120 रुपया साल का रेंट है, ये 1000 में मतलब 120,000 साल का रेंट है, 2 महीने का मिला नहीं, मतलब कितना नहीं मिला, 10,000 करके 2 महीने का नहीं मिला, 20,000 नहीं मिला। तो एक्चुअली में मिला कितना हमको रेंट, 1,00,000, 1,20,000 साल का रेंट है, 2 महीने का नहीं मिला। तो 2 महीने का अनरियलाइज रेंट माइनस करो, फिर कंपेयर करना, 1,20,000 में से 2 महीने का 10,000 रेंट गया, मतलब 1,00,000 हो गया। तो 1,00,000 और 50, विच एवर इज हायर, तो मेरा ARR कितना, GAV क्या होगा, पहला उसमें 100 देख लो, पहला उसमें GAV 100 लिखा है। नेक्स्ट हाउस करो चलो फटाफट, फिर वही तरीका, पुणे है तो 500 300 500 हायर, फिर 500 800 500 लोअर, फिर 500 और 600, नहीं डायरेक्ट 600 कंपेयर मत करना, 600 तो पूरा साल का है, 3 महीने का तुमको भाड़ा नहीं मिला है यहाँ पर भी। तो अगर 600 रुपया साल भर का भाड़ा है तो 3 महीने का कितना नहीं मिला, मतलब 600/12 × 3 150 रुपया नहीं मिला, मतलब कितना मिला है, 450। तो वापस एक बार कंपेयर करते हैं, चलो म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर 500 ले लिए, एंसर के साथ स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर किया 800, विच एवर इज लोअर, 500 फिर से आ गया, और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 450, तो 500 और 450 विच एवर इज हायर, 500 मेरा आंसर हो गया।
तो मेरा हाउस टू का 500 आ गया जीएवी। थर्ड घर में भी वही कहानी करो फटाफट, पाली में घर है, पाली में एनुअल वैल्यू 30, फेयर रेंट 300, विच एवर इज हायर 300 ले लिए, स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किए विच एवर इज लोअर 240 स्टैंडर्ड रेंट गिवेन है, तो 300 240 होगा सर, 240 ले लिए। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 180 रुपये है, लेकिन ये 180 साल भर का है, तो डिवाइडेड बाई 12 इंटू एक महीना घर का अनरियलाइज रेंट रहा है, मतलब 15 रुपया नहीं मिला, तो 180 माइनस 15 65 आया, 165 165 और 240 विच एवर इज हायर, तो आंसर हो जाएगा 240। अब आएगा लेकिन मजा, क्योंकि हाउस 4 और हाउस 5 कहाँ पे है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, दिल्ली मुंबई हमको फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी है वो। क्या ये डायरेक्ट म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करने से चलेगा? नहीं, उसको क्या बनाना पड़ेगा, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू जीएमवी। तो बनाओ, देखो यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाया है, पहले दिल्ली को बनाया तो दिल्ली में म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 90,000 इक्वल्स टू जीएमवी माइनस 10% ऑफ जीएमवी। वहाँ पे वाटर टैक्स नहीं लगा है, दिल्ली में वाटर टैक्स नहीं लगा है, डैश दिया हुआ है, मतलब वाटर टैक्स नहीं लगा है, तो हम फॉर्मूला में ही वाटर टैक्स हटा दिए, तो 90,000 इक्वल्स टू जीएमवी माइनस 10% ऑफ जीएमवी, क्योंकि वाटर टैक्स है नहीं इसलिए हटा दिए, तो 90,000 इक्वल टू 90% ऑफ जीएमवी, मतलब जीएमवी इक्वल्स टू 1,00,000। अब कंपेयर करना स्टार्ट कर दो, 1,00,000 एंड 3,00,000, मतलब 1,00,000 100 और 300 विच एवर इज हायर, तो 300 ले लिए, 300 और 250 विच एवर इज लोअर, तो 250 ले लिए, और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 360 डिवाइडेड बाई 12 इंटू कितना घर वैकेंट रहा, 3 महीना, तो 90 रुपया नहीं मिला, तो 360 माइनस 90 270 और 250 विच एवर इज हायर, तो 270 मेरा हायर, तो हाउस 4 में 270 हम जीएवी लिख दिए। हाउस 4 क्लियर है सबको, डाउट है तो बोलो, दोबारा रिपीट कर देंगे, कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है। हाउस 5 पे आ जाओ, मुंबई म्युनिसिपल वैल्यू 270 दिया है, कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या? हाँ सर करना पड़ेगा, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जीएमवी बनाइए, और यहाँ पर वाटर टैक्स भी बोला है 5%। वाटर टैक्स हमेशा एनएमवी पे कैलकुलेट होता है, परसेंटेज में दिया है, तो 270 का 5% निकाल देना। देखो नीचे वर्किंग शो किया, इन केस ऑफ मुंबई हाउस 5 270,000 मेरा म्युनिसिपल वैल्यू है, यानी नेट म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल्स टू जीएमवी माइनस 10% ऑफ जीएमवी माइनस वाटर टैक्स, तो 270,000 इक्वल टू 90% ऑफ जीएमवी माइनस 5% ऑफ 270,000, क्योंकि वाटर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, 270,000 का 5%, तो 270,000 का 10% 27,000 होता है, उसका आधा हो गया 13,500, तो 13,500 मेरा वाटर टैक्स आ रहा है, तो 270,000 इक्वल्स टू 90% ऑफ जीएमबी माइनस 13,500, 13,500 उल्टा साइड में भेजेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो 270 प्लस 13,500 283,500 इक्वल्स टू 90% ऑफ जीएमबी, तो जीएमबी निकालने के लिए 283,500 डिवाइडेड बाई 90% मेरा जीएमबी आएगा 315,000। अब बस कंपेरिजन स्टार्ट कर दो, 315,000 जीएमबी फेयर रेंट 300 विच एवर इज हायर, 315,000 हायर, स्टैंडर्ड रेंट 500 तो 315,000 लोअर, और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 150 है, उसमें भी 2 महीने का अनरियलाइज रेंट है, मतलब 30 रुपया नहीं मिला है, यानी 120, तो 120 और 315,000 विच एवर इज हायर, तो 315,000 मेरा जी ए वी होना चाहिए, बिल्कुल वही है, जी ए वी इक्वल्स टू 315,000। तो ये एक अच्छा सम था जिसमें हर कैटेगरी की तरीके से आपको जीएवी कैलकुलेट करके दिखा दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट, एनी क्वेरी ऑन दिस? नो क्वेरी, चलो ठीक है, एक और सम करते हैं, चलो इसमें वैकेंसी का कहानी है। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फिर भाई गोवा पुणे पाली दिल्ली सूरत अबू, यहाँ पे कोई सा भी मेट्रोपॉलिटन है? हाँ है, दिल्ली को छोड़ के और कुछ नहीं है मेट्रोपॉलिटन, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ता है, हमको झमेला करना पड़ेगा क्या एनएमवी जीएमवी का?
करना होगा सर दिल्ली के केस में। बेटा ग्रॉस प्रिंसिपल वैल्यू दिया है, ठीक से पढ़ पहला ही क्वेश्चन, पहला ही फिगर। ग्रॉस दे दिया है, कन्वर्ट करने का क्या दरकार है? तो नहीं सर, नेट नहीं है, ग्रॉस ही है, ग्रॉस। यानी सर ने आपको खेल नहीं खिलाया, इस समय वैकेंसी को लेकर झमेला होगा खाली। तो देखो गोवा को कैलकुलेट करते हैं फटाफट। ग्रॉस प्रिंसिपल वैल्यू 200, फेयर रेंट 300, व्हिचएवर इज हायर, 300 आंसर आ गया। सर 300 को फिर स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किया, स्टैंडर्ड रेंट भी 300 ही है, तो 300 300 कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों हायर लोअर कुछ भी हो 300 ही रहेगा आंसर। एक्चुअल रेंट, अब देखो एक्चुअल रेंट पर एनम 600 है, लेकिन तुमको वैकेंसी एक महीने का भाड़ा नहीं मिला, तो 600 डिवाइडेड बाई 12 यानी 50 रुपया नहीं मिला। क्या वैकेंसी होने के कारण तुम्हारा ARR कम पड़ रहा है क्या? फिर RER से थर्ड स्टेप में RER निकल गया मेरा 300। सर किसी भी कीमत में ARR आपका कम नहीं पड़ रहा है, आपका ARR हर कीमत में क्या है? मेरा ARR एक्चुअल रेंट कितना मिला, कितना रिसीव्ड हुआ है हमको? 550। 600 रुपया मेरा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है, हमको एक महीने का वैकेंसी रह गया, घर एक महीना खाली था। हम वैकेंसी को हटा के कंपेयर करके देखे और फिर ये सोचने का कोशिश किए वैकेंसी नहीं होता तो RER छोटा, ARR छोटा पड़ता है क्या RER के मुकाबले? सर आपका ARR किसी कीमत पे छोटा नहीं पड़ेगा, आप वैकेंसी हटाइए, आपका 550 एक्चुअल रेंट रिसीव्ड होगा, जबकि आपका RER आ रहा है 300, तो 300 550 व्हिचएवर इज हायर, 550 मेरा GAV हो गया। तो पहला हाउस में GAV 550 ही रहा। पुणे में आ जाओ, 300 600, सर आंसर हुआ 600 600 को फिर 180 से कंपेयर किए, सर आंसर हुआ 600। अब आओ एक्चुअल रेंट कितना है 900, लेकिन 3 महीना घर वैकेंट रहा, वैकेंसी माइनस करके देखो रिसीव कितना हुआ है, 900 डिवाइडेड बाई 12 × 3 225 हटाना है, तो 900 में से 225 गया 675, 675 और 600 व्हिचएवर इज हायर लेना है आपको। आपका RER आ रहा है, आपका RER कितना आ रहा है सेकंड घर में 600, और आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना है 675, व्हिचएवर इज हायर 675 मेरा GAV हो गया। क्लियर है ये सबको? पहला दोनों घर वैकेंसी को कैसे नापना है वो देखो, पहले रिसीव रेंट रिसीवेबल में से वैकेंसी हटाओ, फिर कंपेयर करके देखो, अगर अभी भी ARR बढ़ा है तो ARR लिख दो, अगर कंपैरिजन में ARR छोटा आ रहा है ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी नहीं होता तो ARR बड़ा होता मेरा, तो फिर ARR ही आंसर लिख देना। आ जाओ थर्ड स्टेप, थर्ड हाउस पे, इसमें शायद वो झमेला आएगा। 400 750 400 मेरा म्यूनसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट 750, तो पहला स्टेप में 750 आंसर। स्टैंडर्ड रेंट 280 दिया है, कंपेयर करो तो 280 आएगा, विच एवर इज लोअर, तो 280 मेरा RER आ गया, RER मेरा 280 आ गया। लास्ट स्टेप एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, देखो रिसीवेबल तो हमको 300 बड़ा दिखाई दे रहा है, रिसीव्ड कितना होता, 2 महीना घर वैकेंट है, 300 डिवाइडेड बाय 12 × 2 50 रुपया नहीं मिलता हमको, तो कितना मिलता 250। अब देखो मजेदार खेल, मेरा पहला दोनों स्टेप में आंसर क्या है 400 750 750 हायर, फिर 750 280 विच एवर लोअर 280, तो मेरा स्टेप टू में आंसर आ रहा है 280। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना है 250, तो 280 और 250 में कौन बड़ा 280 सर, लेकिन फिर भी आंसर में देखो क्या लिखा है GAV में 250। यही वो पार्ट है, ये समझ गए कहानी इस पार्ट में हो गया और झमेला नहीं है इसमें, गौर किए? मेरे को जहां तक जो लगता है हम बता रहे कि अगर वैकेंसी नहीं होता तो मेरा भाड़ा उतना ही होता, अगर वैकेंसी नहीं होता तो तुम्हारा ARR कितना होता 300। हाँ और 300 280 में कौन बड़ा होता मैं 300। वेरी गुड, तो 300 नहीं लिखे 250 लिखे, लेकिन तो हम क्या किए मैं कंपेयर करते वक्त हम पूरे साल का भाड़ा से कंपेयर किए, हाँ लेकिन लिखते वक्त
जो एक्चुअली हाथ में आया वो लिखी, क्योंकि कंपेयर करते हुए तुमको ये देखना था क्या सिर्फ वैकेंसी के कारण एआरआर छोटा पड़ रहा है। हाँ, अगर अभी अभी भी अगर मेरा स्टैंडर्ड रेंट ही बड़ा होता ना मयंक, हमको चिंता ही नहीं होता, हम वही लिख देते आंसर में। लेकिन ड्यू टू वैकेंसी मेरा एआरआर छोटा पड़ रहा था, तो हम बिना वैकेंसी के कंपेयर करके देखे तो एआरआर बड़ा आ रहा था, हम जो एक्चुअल एआरआर है वही आंसर में लिख दिए 250। ठीक, नेक्स्ट दिल्ली, ग्रॉस प्रिंसिपल वैल्यू 500, फेयर रेंट 180, तो 500 आंसर हो गया। 500 फिर स्टैंडर्ड रेंट को 225 से कंपेयर किए, 225 आंसर हो गया। अब देखो मैं 225 आंसर हो रहा है, ठीक है, 225 और एक्चुअल रेंट कितना है 240, रिसीवेबल साल भर का, साल भर का रिसीवेबल 240, तो बड़ा 240 ही है। हाँ, तो हम 240 को पकड़े। अब वैकेंसी हटा दो, एक महीने का वैकेंसी है, 240 डिवाइडेड बाय 12 × 1 = 20, तो 240 - 20 करके 220 आंसर आया। देखो आंसर में 220 ही लिखे, यानी आंसर लिखते वक्त हम वैकेंसी माइनस कर रहे हैं, लेकिन कंपेयर करते वक्त फुल वैल्यू माइनस नहीं करेंगे, पूरा साल का भाड़ा देख रहे हैं। हमको यही समझाना था, कंपेयर करते वक्त हम पूरे साल का भाड़ा देख रहे हैं, लेकिन आंसर लिखते वक्त वैकेंसी माइनस करके लिख रहे हैं। ये वाला लास्ट वाला पार्ट में मेरे को भी नहीं समझ आया, जरा जब कंपेयर कर रहे हो तो आप 11 महीना का भाड़ा ले रहे हो। नहीं, कंपेयर करते वक्त 12 महीना का मयंक। हेलो, हाँ, कंपेयर करते वक्त 12 महीना का, हाँ, और लिखते वक्त 11 महीना का, लिखते वक्त वैकेंसी हटा दी। अगर एआरआर आंसर आ जाता है, अगर एआरआर बड़ा आ जाता है मयंक, तो लिखते वक्त वैकेंसी हटा के, ठीक है। चलो सूरत में आ जाओ, पांचवा घर, ग्रॉस प्रिंसिपल वैल्यू 300, फेयर रेंट 200, 300-200 में कौन सा हायर, 300 हायर, फिर स्टैंडर्ड रेंट 250, स्टैंडर्ड रेंट 250 और 300 मेरा आ रहा था पहला स्टेप से आंसर, तो 250 ओवर। अब देखो मैं 250 और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल जो पूरे साल का है वो कितना है 216, पूरा साल का होने के बाद भी एआरआर छोटा है ना मयंक। रिया प्रिया, पूरा साल का होने के बावजूद भी एआरआर छोटा पड़ रहा है, तब इग्नोर मारो, तब मेरा स्टैंडर्ड रेंट को हम हायर बीचे विद हायर करके आंसर लिख देंगे, तब वैकेंसी माइनस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरा एआरआर विदाउट वैकेंसी अगर बड़ा आ रहा है तो हम एआरआर को पहले आंसर पकड़ेंगे और लिखते वक्त वैकेंसी माइनस कर देंगे। अगर हम एआरआर को फोर्थ स्टेप में बड़ा पकड़ते हैं तो वैकेंसी माइनस करके लिखेंगे, लेकिन अगर हम आरईआर को बड़ा पकड़ते हैं तो विदाउट माइनस किए डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। यस सर, लास्ट स्टेप में आ जाओ जी, लास्ट लास्ट घर में अबू, ग्रॉस प्रिंसिपल वैल्यू 300, फेयर एंड 400, पहला स्टेप में 400 आंसर, स्टैंडर्ड एंड 240, तो 240 आंसर। अब लो मजा, स्टैंडर्ड रेंट भी 240 और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल भी 240, हम एक्चुअल रेंट रिसीवेबल को पकड़े हायर रिसीवेबल इज हायर बोल के, हालांकि दोनों हायर हैं, फिर भी हम एक्चुअल रेंट रिसीवेबल को पकड़े, उसमें वैकेंसी माइनस करके 220 लिखते हैं। हम एआरआर को आंसर पकड़े थर्ड स्टेप में, उसमें से वैकेंसी माइनस किए, उसको जीए भी माने, तो ये है जीए भी कैलकुलेशन के पुस्तक। अगला सेंस आपका होमवर्क है, 10 नंबर आपका होमवर्क है, 11 नंबर भी आपका होमवर्क है, 10 और 11 आपका होमवर्क है, 10, 11, 12 तीन सेंस कर लो खाली, 18 करने का मन हो तो करना, नहीं तो छोड़ दो, 10, 11, 12 करो खाली, 18 छोड़ दो, 10, 11, 12 आपका होमवर्क है, 10, 11, 12 आपका होमवर्क है।